क्या हाल चाल, उम्मीद करती सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आप लोग सोचोगे कि आज मैं ये क्या मुंह पे लगा के आ गई हूँ। तो मैं आज लोग आप लोगों को ना एक बहुत ही अच्छी चीज़ के बारे में बताने वाली हूँ। आप लोगों ने वीडियो पूरी देखनी है, कोई स्किप नहीं करना, ताकि किसी भी चीज़ का रिजल्ट जो है वो कोई अच्छा जी। तो जिस ब्रांड के बारे में बात करूंगी मैं आज, वो है ओरियोर। ओरियोर की सारी चीज़ें जो है वो आजकल बहुत ज़्यादा मैंने वीडियोज़ देखी है, सब लड़कियाँ यूज़ कर रही हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी रमज़ान से पहले ये सब चीज़ें मंगवा के और इनको मैं टेस्ट कर लेती हूँ। तो मेरे पास कुछ ये चीज़ें मौजूद हैं, आप लोगों को मैं एक मिनट कैमरा दूसरी तरफ घुमा के दिखाती हूँ। अच्छा जी, मैंने ये जो सारी चीज़ें खरीदी हैं ये मैंने सेल में से ली थी, अभी इनकी फ़िलहाल सेल ख़त्म हो चुकी है। एक ये 2-in-1 ग्लोइंग मास्क मैंने मंगवाया था, आई थिंक ये 400 का था। और उसके बाद मैंने इनकी ली है मिनी फेशियल किट जो है, ये मुझे मिली थी 400 रुपीज़ में या 450 की। उसके बाद आ जाती है बारी ब्लीच पाउडर और यानी कि ब्लीचिंग किट जो है इनकी, वो बहुत ज़बरदस्त है, ये मुझे 900 में मिली थी सेल प्राइस में। राइस पाउडर ये भी मुझे 800 का या 700 का मिला होगा। एलोवेरा जेल वो भी मुझे सेल प्राइस में मिली है। तो ये सारी चीज़ें मैंने सेल में मंगवाई थी। मैनी पैडी का जो सेट है ये मेरे पास पहले से मौजूद है, इसके रिजल्ट आप लोगों को मैं पहले भी दिखा चुकी वीडियो में, बहुत ही ज़बरदस्त है। सब लड़कियों के लिए है जो टीनेज है, स्कूल में जाती हैं या कॉलेज जाती हैं या जॉब करती हैं, उन सब लड़कियों के लिए बहुत ही फ्रेंडली बजट में मतलब मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें एक दिखाने जा रही हूँ। एक बंडल है जो आप लोग खरीद सकते हो, चाहे वो आप कोई भी चीज़ इसमें से स्किप कर सकते हो, पर लेकिन उन लड़कियों के लिए सबसे ज़्यादा फ्रेंडली बजटेड चीज़ें जो है वो मैं आज लोग आप लोगों के साथ वो शेयर। तो मैं आज आप लोगों की ओरियोर की जितनी भी चीज़ें दिखाऊंगी उसके इतने इतने अच्छे रिजल्ट हैं। बेटे बेटे हाँ अच्छा, इतने अच्छे रिजल्ट्स हैं उसके, तो मेरा सच में दिल खुश हो गया कि मैंने किसी चीज़ पे पैसे अगर खर्च किए हैं तो वो उसका रिजल्ट मुझे बहुत अच्छे से मिला है। तो मैं तो बहुत हैप्पी हूँ। तो मैं आप लोगों ने मेरी वीडियो जो है वो एंड तक जरूर देखनी है। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना। मर चलते हैं वीडियो की तरफ। अच्छा जी, तो इस ब्लीच का जो सबसे एक मुझे जो अच्छा लगा है चीज़ के, आप लोग इसकी बहुत ही कम क्वांटिटी में ये तो आपकी रेडी हो जाएगी ब्लीच, ठीक है। ये आपके सामने मैंने इसको सिर्फ 1 टेबल स्पून डाला है, तो ये अच्छी खासी इसकी पेस्ट ये रेडी हो गई है, जो कि मेरे फेस के लिए इनफ है। और दूसरा ये कि आपकी ये जो पूरी किट है ना, ये वाली, ये आपकी तकरीबन 1 साल भी चल सकती है अगर आपने बाजुओं पे करते हो, टांगों पे, जहाँ भी मतलब जो भी है ना, तो फिर तो ये आपका कुछ ही महीने चलेगी। अगर आप सिर्फ फेस पे, पाँव पे और हाथों पे करते हो तो ये आपका 1 साल चलेगा। वो है 900 रुपीज़, ठीक है। तो ये बहुत ही रीजनेबल है, आप लोग इसको जरूर ट्राई करेगा। मैं इसको पहले भी ट्राई कर चुकी हूँ, अब मैं वीडियो बनाने के लिए दोबारा आप लोगों के सामने इसको ट्राई करूँगी, ताकि आपको रिजल्ट जो है वो आपको सामने। अच्छा जी, मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूँ कि इस जो प्राइस, इसकी प्राइस जो है ना ब्लीच किट की, वो है 1000 रुपीज़ ही है। तो आप लोगों को मैं बता दूँ कि इसके जो बेनिफिट्स हैं ना इस ब्लीच के, एक तो इसका जो ब्लीचिंग पाउडर है वो बिल्कुल भी इचिंग नहीं करता कोई पेज, वो फौरन से उसके अंदर उसकी जो लोशन है उसके अंदर जल्दी से मेल्ट हो जाएगा। उसके अलावा आपकी स्किन पे कोई रैशेस नहीं होंगे, कुछ भी नहीं होगा, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है इसका। आप इसको वॉश करके देख लेना, थोड़ी देर के लिए आपको लगता है इस तरह कि हमें चुभ रही है, जबकि नहीं। आप यकीन करें बिल्कुल भी आपके फेस पे कोई रैशेस नहीं होंगे। आपको थोड़ा सा फील होगा, जैसे मैंने आपको बताया है, वो आप ठंडी हवा ले लें अपने फेस को, थोड़ा सा पंखे के साथ, वो पंखी के साथ करें तो आप ठीक रहेंगे, ठीक है। स्किन बिल्कुल रेड नहीं होगी, कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, इसलिए मैं भी इसको यूज़ कर किया, 2-3 बार इसको यूज़ किया, कोई मुझे इस तरह के रैशेस नहीं हुए। अच्छा जी, ब्लीच जो है वो आपकी स्किन को बहुत बेबी स्किन आपकी बना देगी, इतनी सॉफ्ट कर देती है। इसका मुझे ये सबसे अच्छा लगा रिज़ल्ट कि आपकी स्किन जो है वो बहुत सॉफ्ट हो जाती है और शाइनिंग आ जाएगी स्किन में, ठीक है। अब मैं आप लोगों को इसको साफ़ करके दिखाती हूँ, आप लोग रिज़ल्ट देख लेना इसका। एक तो आपके बाल जो है ब्लीच हो चुके होंगे और उसके बाद आपकी स्किन जो है वो इतनी सॉफ्ट हो जाएगी, सिर्फ ब्लीच करने से ही सॉफ्ट हो जाएगी। और शाइनिंग आप लोग चेक कर लेना साथ साथ कि कितनी अच्छी शाइनिंग आपकी स्किन में आ जाएगी। जो लड़कियां एक बार ब्लीच वगैरह ख़रीद लेंगी ना, आप लोगों का पूरा साल गुजरने वाला है इस ब्लीच किटिंग ब्लीच किट में, ठीक है। तो रिज़ल्ट बहुत ज़बरदस्त मिलेंगे, आप लोग खुश हो जाओगे कि बहुत अच्छी चीज़ हम लोगों ने आप लोगों को दिखाई है। तो जी, आप मेरी स्किन पर जो है वो देख सकते हैं कितनी शाइनिंग कर रही है और बहुत सॉफ्ट हो चुकी है, तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं। अब इसके बाद जो है हम ट्राई करते हैं मिनी फेशियल किट जो है ओरियोर की, वो हम ट्राई करते हैं। इसको खोल लेते हैं, पैकिंग इसकी मैं आपको दिखा दूँ, बहुत छोटी सी स्मॉल। मैंने इसको सेल में से 400 रुपीज़ का ख़रीदा था, अभी सेल नहीं है तो ये 500 का पैक मिलेगा आपको। तो लड़कियों के लिए तो बहुत ही अच्छी है। तकरीबन इसका साइज़ जो है वो मेरे हाथ जितना होगा, ठीक है।
इसमें से ये छोटी छोटी डिब्बियाँ निकली हैं, छोटी छोटी है, ये टेस्टिंग के लिए है। जो लोग मतलब इनका जो बंडल है वो अभी वो नहीं करना चाहते, वो बाय नहीं करना चाहते, जाहिर बात वो थोड़ा सा महंगा है, तो वो लोग ये एक बार ट्राई करें और उसके बाद भी इनका जो है पूरा जो बड़ा ऑफिशियल किट है वो आपका क्लींजर है फर्स्ट नंबर यहाँ लिखा हुआ है, उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है मसाज क्रीम, ठीक है, मसाज क्रीम। थर्ड नंबर पे आ गया ब्राइटनिंग एक्सफोलिएटर, और फोर्थ नंबर पे आ रहा है ये क्या लिखा हुआ है, स्किन रेजो, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, यह है स्किन रेजुवेनेटर रेजुवेनेटर पता नहीं क्या है। अच्छा चलो ये फोर नंबर पे ये आ गया। फाइव नंबर पे आ गया डबल क्लींजर, डबल क्लींजर फाइव नंबर पे। सिक्स पे है मड मास्क, ठीक है, ये सिक्स स्टेप्स जो है उन्होंने दिए हुए हैं। इनकी जो बड़ी पैकिंग है वो मैं स्क्रीन पे मेंशन कर रही हूँ, और जो बड़ी पैकिंग में आपको ये सारा पैकेट मिल जाएगा। मैंने भी अभी फर्स्ट टाइम ट्राई करना है इनका ये पूरा क्लींजिंग जो फेशियल किट है, तो मैंने इसलिए फिर इसको ट्राई करने के लिए छोटी सी पैकिंग। ब्लीच का जो है वो रिजल्ट आप लोगों के सामने है, बहुत ही अच्छी स्किन है, आप यकीन करें कोई रैशेज नहीं है। अगर किसी को पास वाले पिंपल्स हैं या मतलब कोई जख्म वगैरह, वो आप लोग उस पर वैजिन थोड़ी सी लगा के फर्ज करिए, जैसे मेरे पिंपल ना ये तो मतलब सिर्फ निशान है, अगर आपको कोई पास वाला पिंपल है तो उस पर आप थोड़ी सी वैजिन लगा के उसके बाद आप ब्लीच को अप्लाई कर लो। अपनी स्किन के हिसाब से आप लोग इसमें पाउडर ज़्यादा डालो या कम डालो वो आपकी मर्जी है। तो हम इसका ट्राई करते हैं, सबसे पहले क्लींजिंग थोड़ी सी है इसमें क्वांटिटी, और मेरे ख्याल से ये भी चल सकती है अगर हम इसको थोड़ा थोड़ा कंजूसों की तरह लगा लें मुँह पे, तो वो चल जाएगा, क्योंकि हमने बाद में इसको थोड़ा सा पानी भी तो लगाना होता है ना, तो मेरे ख्याल से ये जो टेस्टर है ना ये भी सारे आपके दो बार चल सकते हैं। हम ना हर क्रीम का जो है मसाज तकरीबन एक मिनट के लिए करूँगी, ताकि वीडियो है और ज़्यादा लंबी ना हो जाए, तो उसके हिसाब से मैं जल्दी जल्दी से फटाफट से कर लेती हूँ। देखा ये थोड़ी सी मैंने लगाई है क्रीम तो काफ़ी ज़्यादा, अब मैं इसको पानी लगा के थोड़ा सा मसाज करूँगी, क्योंकि ये इस तरह भी सख्त हो जाएगी, उसको रगड़ना नहीं है अपनी स्किन को। अच्छा रिजल्ट है, मुझे वैसे अच्छा लगा, मैं फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ, तो अभी क्लींजिंग मिल्क ही मैंने इनका यूज़ किया है, रिज़ल्ट आप लोगों के सामने है। पहले मेरा कलर जो था वो थोड़ा सा पेल सा था, अब थोड़ा सा ब्राइट हो गया, ठीक है, एक तो ब्लीच की वजह से, और दूसरा क्लींजिंग मिल्क जो है इसमें भी अच्छा काम, स्किन काफ़ी सॉफ्ट है। ब्लीच करने से मैं आपको पहले बता दूँ, ब्लीच जो है ना उसमें भी इतना अच्छा उसका वो है रिज़ल्ट कि आप लोगों की स्किन इतनी सॉफ्ट हो जाती है, ठीक है। ये मेरे बाल यहाँ से ब्राउन होंगे, ये नज़र आ रहे होंगे आप लोगों को, मुझे बहुत अच्छी है। अब मैं इसका सेकंड स्टेप करने जा रही हूँ, ठीक है, मुझे उम्मीद है कि सारी चीज़ें जो है वो अच्छी ही जाएंगी, क्योंकि क्लींजिंग मिल्क ने तो बहुत अच्छा काम किया, मैं तो बड़ी खुश हूँ। सेकंड स्टेप जो इसका आ गया है वो है मसाज क्रीम, तो मैं ये ट्राई कर रही हूँ, जो इसके कैप में लगी हुई ना वही काफ़ी है, कंजूसों की तरह हम लोगों ने इसको इस्तेमाल करना है, हमने इसमें भी बचत करनी है ना। और बस ठीक है, स्मेल इतनी प्यारी है इसकी, मसाज क्रीम है ना, हाँ स्मेल बहुत प्यारी है, सही है, बहुत ज़बरदस्त। एक्सफोलिएटर जो है वो थ्री स्टेप है, ये मैं स्किन से जो है सारी मैल जो है वो उतार देनी है। यार मेरी स्किन देख रहे हो इतनी ज़्यादा, वो बड़ी मज़े की हो गई है, मेरा दिल खुश हो गया, छोटी सी पैकिंग में ही आपको अगर इतना अच्छा रिजल्ट मिले तो क्या ही बात है ना। चलो इसमें थोड़े थोड़े से वो है, जैसे स्क्रब नहीं होता वैसे, वही चीज़ है इसके अंदर, दूसरी जबान में इसको बेशक आप लोग स्क्रब भी कह सकते हो, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा पानी लगा के मसाज करती हूँ, क्योंकि मुझे लगा था इससे वो इस तरह मैल बन के खुद ही उतरना स्टार्ट हो जाएगी, वो वैसे नहीं हुआ, बस ये आपकी स्किन की जो साइड डट की ना वो इसको रिमूव कर देगी, ठीक है, एक किस्म का ये स्क्रब ही है। सॉरी, जब आप लोगों ने एक्सफोलिएटर यूज़ करना है ना, तो आप लोगों ने अपने ये नोज़ पे इस एरिया पे, ठीक है, ये सारा एरिया, और चिन पे यहाँ पे, और चिक्स पे यहाँ पे, आप लोगों ने अच्छे से मसाज कर लेना, क्योंकि हमारे बहुत ज़्यादा स्किन के अंदर वाइटर्स होते हैं जो हमारे यहाँ से निकलते ही रहते हैं हमेशा, ठीक है, उसको ये बहुत अच्छे से वो कर देगा, स्किन को नीट कर देगा, क्लीन कर देगा। आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा मतलब वो दबा के नहीं, नरम हाथों से ही इस एरिया पे और नोज़ पे और इस चिक्स पे, जिनको यहाँ पे पिंपल्स आते हैं, वाइटर्स आते हैं, तो उनके लिए यहाँ पे मसाज करना थोड़ी देर के लिए, ताकि आप लोग की स्किन जो है वो डीपली क्लीन हो जाए। ज़बरदस्त, मैं सच में खुश हो गई हूँ कि मैंने थोड़े से पैसे खर्च किए और इतना अच्छा रिजल्ट आया मुझे मिल रहा है। जैसे जैसे नेक्स्ट स्टेप आता जा रहा है, स्किन बहुत ज़्यादा ब्राइट हो रही है, आप लोगों के सामने है, कोई मैं झूठी बोल रही, आप लोगों ने देखा, आप बेशक वीडियो को पीछे करके देख लो, पहले मेरी स्किन किस तरह से थी और अब कितना अच्छा। इसका आ गया है ये, आप लोग खुद ही नाम पढ़ लो, मुझे तो ये नाम भी नहीं लेना आ रहा, पता नहीं क्या है, चलो ट्राई कर लेते हैं। इसका कलर जो है वो ब्लू सा है थोड़ा सा,
अब ये जो मेरी है ना डिब्बी है छोटी सी, ये मेरी दो तीन बार चल जाएगी। अब मुझे ना मसाज करने में इतना मज़ा आ रहा है क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गई है, इस तरह लग रहा है बेबी स्किन होती है। अब मैं जितनी तारीफ़ कर रही हूँ ना, आप लोगों को चाहिए कि आप लोग ये खरीद ही लो क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छे रिजल्ट लग रहे हैं। आप यकीन करो मुझे किसी भी फेशियल जो किट है मैंने कोई भी अगर यूज़ किया है तो उसके बाद मुझे इतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिले जितने इसने दिए ओरियोर की। ये मिनी फेशियल किट है, बहुत मज़ा आ रहा है मुझे यकीन करें। ये उन लड़कियों के लिए सबसे बेस्ट पैकेज है जो जिनको पॉकेट मनी मिलती है, ठीक है, वीकली उनको पॉकेट मनी दी जाती है। और आप लोग ज़्यादा महंगी चीज़ें नहीं ले सकते, कॉलेज गर्ल्स हैं, स्कूल गर्ल्स हैं, 9th 10th में जो पढ़ती हैं लड़कियाँ, उनको भी अपनी स्किन को क्लीन रखना चाहिए, तो उन सब बच्चियों के लिए ये तो बहुत अच्छा पैकेज है। मैं आपको इसकी प्राइस भी मैंशन कर देती हूँ, मुझे अभी याद नहीं है कि मैंने कितने में मंगवाई है, शायद 400 की थी शायद। मैं आप लोग को इसकी प्राइस अभी देख ना इनकी वेबसाइट से मैं आपको बताती हूँ। तो आप लड़कियां ज़रूर ट्राई करना, सब लड़कियां जो अभी टीन एज में हैं, आप लोग मुझे पता है कंजूसी से इस्तेमाल करोगी तो आप लोगों की ज़्यादा चली जाएगी। रमज़ान आने वाले हैं, ईद से पहले अगर आप लोग स्किन को अच्छा और बेबी स्किन करना चाहते हो ना तो आप लोगों ने ये ओरियो की ये फेशियल किट जो है ना ये आप लोग लाजमी ख़रीद लो, बहुत अच्छी है। 5 स्टेप जो है वो है डबल क्लिनजर और ज़बरदस्त। यार मैं सच में बता नहीं सकती, मुझे इतना अच्छा लगा है ये, बहुत अच्छा। मुझे लगता है मुझे बड़ी पैकेज मंगवानी ही पड़ेगी क्योंकि इसके रिज़ल्ट बहुत ज़बरदस्त है। अब लास्ट पे जो है वो इसकी बारी आई है मड मास्क की, ठीक है। तो अब हम लोग ये अप्लाई करके उसके बाद भी मैं 15 मिनट के लिए छोड़ दूँगी ताकि वो ड्राई हो जाए और उसके बाद भी मैं आप लोगों को ओरियो की और भी बहुत सारी चीज़ें वो भी मैं दिखाती हूँ, तो वेट करें। अच्छा जी, तो मैं आप लोगों को इसका बता दूँ, 2-in-1 ग्लोइंग मास्क है एंड स्क्रब, ठीक है। आप इसको स्क्रब के तौर पे भी यूज़ कर सकते हो स्किन पे और आप इसको एज अ मास्क भी लगा सकते हो किसी भी चीज़ में, ठीक है। मैं आपको इसको बता देती हूँ कि किस तरह से इसको इस्तेमाल करना है। उन्होंने बोला है कि आप इसकी फाइन सी एक पेस्ट बनाएं, उसमें चाहे एलोवेरा जेल डाल सकते हैं, योगर्ट और मिल्क, और ठीक है आप उसके अलावा आपने जो भी इंग्रेडिएंट्स जो है वो आप लोगों ने ऐड करना है वो आप लोगों की मर्ज़ी पे है, ठीक है। और आपने अपने फेस पे इसको लगा लेना है 15 से 20 मिनट के लिए और इसको बाद में आप लोगों ने इसको वॉश कर लेना, ठीक है। तो आप इसको 1 हफ्ते में 2 बार यूज़ कर सकते हो बेटर रिजल्ट के लिए। अब इसमें जो चीज़ें वो क्या चीज़ें शामिल है वो भी इन्होंने पीछे मेंशन किया, वो भी बताती हूँ। इसमें रोज़ पेटल है, हल्दी है और मेलन सीड्स है और लेंटिन है, सॉरी लेंटिल, हाँ, और इसमें स्मॉल कैलट्रॉप्स है। ये सारी चीज़ें इसमें जो है वो ऐड की हुई हैं। आई थिंक ये ऑर्गेनिक ही है, इसके इसमें कोई केमिकल शायद ऐड नहीं है क्योंकि इसको मैंने पहले भी यूज़ किया है। और ये अंदर से बिल्कुल हकीम की दवाइयों जैसा लगता है, ऐसे लगता है जैसे किसी हकीम ने डिब्बी में कोई दवाई डाल के दी है। और स्मेल भी बिल्कुल हकीमी जैसी है। ये मुझे इतना अच्छा नहीं रिजल्ट लगा क्योंकि मैंने जब फर्स्ट टाइम ट्राई किया तो फेस पे कोई ग्लो नहीं आया, कुछ भी नहीं। बस ये हो सकता है अगर मैं इसको हफ्ते में 2 बार यूज़ करूँगी फिर उसके बाद मैं आप लोगों को इसका रिज़ल्ट दिखाऊँगी 1 महीने के बाद कि क्या वाकई ये काम सही से कर रहा है कि नहीं, ये इससे हमारे जो ये पिंपल्स के निशान होते हैं ये चले जाएंगे कि नहीं चले जाएंगे, ये मैं आपको इसका बाद में रिजल्ट दूँगी। इसको मैंने सिर्फ अभी तक 1 बार यूज़ किया, तो अब इसको ये काफ़ी मैसी है, ठीक है, अगर आप इसको स्क्रब के तौर पे यूज़ करते हो। उसके बाद जो है इन मेरे पास है ओरियो की एलोवेरा जेल, जिसको आप किसी भी मास्क पैक जो फेस पैक हम बनाते हैं उसमें आप इसको ऐड कर सकते हो, ठीक है। और आप इसको मॉइस्चराइजिंग के तौर पे भी लगा सकते हो, आप लोशन नहीं लगाना चाहते तो आप एलोवेरा जेल लगा ले, बहुत जल्दी से स्किन में जो है वो जज्ब हो जाएगी। एलोवेरा जेल के जो है बेनिफिट्स हैं वो सब लोगों को पता है, हमारी स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी है, तो हमारी स्किन पे जो एक्ने मार्क्स होते हैं उसको रिमूव करता है, मॉइस्चराइज स्किन को मॉइस्चराइज करता है, ठीक है, और स्किन को ब्राइट करता है। इसके अलावा जो हमारे स्क्रैच मार्क्स हैं, अच्छा स्क्रैच मार्क्स यानी कि जो हमारे टमी पे जो जिन लड़कियों की शादी हो गई है, ठीक है, और उनको बच्चे पैदा करने के बाद हमारे पेट पे जो स्क्रैच मार्क्स आते हैं ना उस पर भी हम लोग इसको लगा सकते हैं। मैंने ना डॉक्टर से, लेडी डॉक्टर से पूछा था कि वो जो स्क्रैच मार्क्स होते हैं हमारी बैली पे वो किस तरह से खत्म होंगे, तो वो कही थी आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपनी स्किन को मॉइस्चराइज रखना है पेट की, ठीक है, तो आप वहाँ पर भी इसको यूज़ कर सकते हो और आपके बालों को बहुत घना करता है ये, तो सबको किसी भी चीज़ में आप इसको ऐड करके ना बालों पे मास्क भी लगा सकते हो, ठीक है। बालों को आपको पता है ये थिक करता है और बालों को मजबूत करता है और आपके बालों को बहुत अच्छी शाइन देता है एलोवेरा। अगर आप जो लोग ये नहीं लेना चाहते कोई मसला नहीं है, आप लोग अपने घर में आप कहीं भी बाहर पार्क वगैरह में लगे होता है एलोवेरा, आप लोग वो ओरिजिनल वाला ले लें, मेरा मतलब ये है कि हाँ बिल्कुल फ्रेश वाला एलोवेरा ले लें जिन लोगों के पास ये फेस मास्क जब ड्राई हो जाएगा इसको उतारने के बाद मैं इसको यूज़ कर लूँगी, ठीक है, बाद में मॉइस्चराइजर के तौर पर। और
अब जो नेक्स्ट जो एक और मैंने ओरियो से मंगवाया था वो था इनका राइस पाउडर। राइस पाउडर जो है मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, लड़कियाँ इसको यूज़ कर रही हैं और इसके इतने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। तो इसकी जो इसका जो पाउडर है ना वो इतना स्मूथ है कि आप लोगों को मैं दिखाती हूँ कि ज़रा सा भी एक बराबर भी दाना नहीं है इसके अंदर कि आप लोग की स्किन पर रैश करें। तो मैंने इसको कल इसका फेस पैक बनाया था, तो ट्राई करने के लिए कुछ इस तरह से है, बहुत फाइन इन्होंने ग्राइंड किया हुआ है, ठीक है। मुझे इसका अच्छा लगा राइस पाउडर, पर इसको हमने फेस पैक बनाने के लिए लिया है। और ये मैं अभी नहीं, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि हम लोगों ने किस तरह से फेस पैक बनाना है इसके साथ। तो एक और मैं आपको बता दूँ, ये जो मैंने आपको दिखाई थी ना ओरियो की मैनी पैडी सेट जो था, ये भी बहुत अच्छा है। मतलब अभी तक मैंने जितनी भी ओरियो से चीज़ें ऑर्डर की हैं वो सब ने मुझे बेहतरीन रिजल्ट दिए हैं। मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगी कि आप लोग ज़रूर जाएँ इनकी वेबसाइट पर और ये सब चीज़ें ज़रूर खरीदें। बहुत ही, तो हम लोगों ने मैंने फेस वॉश कर लिया है पानी के साथ अब, ठीक है। तो मेरी स्किन पे आप थोड़ी सी शाइनिंग देख रहे हो, मतलब कैमरे में मुझे नहीं पता क्यों नज़र आ रही है, पर रियल में मेरी स्किन बहुत सॉफ्ट हो गई है, इतनी सॉफ्ट हो गई है और इस तरह से हाथ मिल रहा है। अब मैं अपनी स्किन को, मुझे पता है आजकल जो है स्किन ड्राई हो रही है, तो मैं थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र के तौर पर मैं एलोवेरा जेल यूज़ कर रही हूँ डायरेक्टली, तो ये आपकी स्किन में बहुत अच्छे से जज़ब हो जाएगी। आप लोग देख रहे हो इतने अच्छे रिजल्ट हैं इसके, तो आप लोग ज़रूर ट्राई करना, ठीक है। शाइनिंग इतनी प्यारी आ गई है, इसको एलोवेरा जेल लगाने के बाद बहुत अच्छी शाइनिंग आती है। और आप इसको मेकअप से पहले भी, कोई भी फाउंडेशन अप्लाई करने से पहले एलोवेरा जेल अब 5 मिनट पहले अपनी स्किन पर लगा के और थोड़ी देर इसको जज़ब होने दे, उसके बाद आप लोग मेकअप करना, देखना इतनी प्यारी लुक आएगी ना आपकी मेकअप की, बहुत अच्छे रिजल्ट है। मतलब मैं क्या कहूँ, मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या कहूँ, बहुत अच्छा है, हर चीज़ ने बहुत अच्छा काम किया। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, ज़रूर ट्राई करिएगा। और जो लोग ट्राई कर चुके हैं पहले से, तो आप लोग भी मुझे प्लीज़, अगर आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो, आप लोग अपना एक्सपीरियंस जो है वो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें कि आप लोगों को किस तरह का रिजल्ट लगा है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है सारा कुछ। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज की वीडियो मेरी पसंद आई होगी। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और ये आप लोगों ने रमज़ान में लाजमी ट्राई करनी है, क्योंकि ये बहुत फ्रेंडली बजट है। मिनी जो फेशियल किट है मैंने आप लोगों को दिखाई है, वो आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है। तो आप स्किन देखना ईद तक, आप लोगों की स्किन जो है बहुत अच्छी हो जाए, ज़्यादा याद रखिएगा और मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा और अल्लाह ताला सबकी मुश्किल आसान करे। हर इंसान पे मुश्किल टाइम आता ही है, बहुत सारी परेशानियाँ भी होती हैं, तो प्लीज़ आप लोग मेरे लिए दुआ करें। जो लोग भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, अल्लाह ताला मेरी सब परेशानियाँ दूर कर दे और मैं खुश रहा करूँ बस। अल्लाह हाफिज़।